छुटकारा मिलकर रहेगा, मिलकर रहेगा। बलिदान दे ही, 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 बलिदान दे ही। आज उस शहर को खत्म करना ही होगा, वरना हम सबको खा जाएगी। बलिदान दे ही, बलिदान दे ही, बलिदान दे ही, बलिदान दे ही, बलिदान दे ही। मीनाक्षी बाहर आ जाओ, अब अंदर छुप के बैठने से कोई फायदा नहीं। मीनाक्षी कोई भी चाल चलने की कोशिश मत करना, तुम्हें हमारी ताकत के सामने मस्तिष्क झुकाना ही पड़ेगा। तुम्हारा विनाश आवश्यक है, वरना तुम हम सबका विनाश कर दोगी। बलिदान देना ही होगा, इस जैन को आज बलिदान देना ही होगा। तुम मेरी जान हो और मैं तुम्हारी जान लेकर ही रहूंगी। ले लूंगी मैं तुम्हारी जान, मार दूंगी मैं तुम्हें। डरो मत, और ना ही इस डायन पर कोई दया करेगा। इससे पहले के इसके अंदर की डायन और हावी हो जाए इस पर, खत्म कर दो इसे। जान, जान, जान। बार तुम्हारा ऑटो खराब हो गया है। अगर इस खटारे में बैठी रही ना तो घर पहुंच ही नहीं पाऊंगी। मेम साहब, तुम स्टेशन चले जाओ, इसको बनने में टाइम लगेगा। स्टेशन क्यों जाऊं? मेरा घर यहाँ से कुछ ही दूर पर है, मैं चलकर चली जाऊंगी। अरे मेम साहब, दिमाग खराब हो गया क्या? घर तक पहुंचने के लिए डायन मीनाक्षी के घर से ही गुजर के जाना पड़ेगा तुमको। मीनाक्षी को मरे हुए साल हो गए और मैं तो इस गांव में पूरे 3 साल बाद अपनी दादी माँ को मिलने आई हूँ। वो बहुत बीमार है, मुझे जाना होगा। मतलब तुम बहुत साल के बाद आई हो, इसलिए तुम जानते नहीं हो मीनाक्षी रायन की आत्मा वापस आ चुकी है। वो एक तड़पती आत्मा है और तुम्हारी जैसी नौजवान लड़कियों को ही शिकार बनाती है। देखो तुम ना मुझे डराने की कोशिश मत करो, तुम्हारे इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं मुझे। मैं सब, वो डायन तुम्हें नहीं बख्शेगी, नहीं बख्शेगी वो डायन तुम्हें। मैं तो चली और तुम मेरे पीछे आने की कोशिश मत करना। अरे मैं सब, मत जाओ, अब भगवान इसे बचाए बेचारी को। Thank you.
तुम मेरी जान हो, मैं तुम्हारी जान लेकर रहूंगी। जय श्री कृष्ण हरिनाथ भाई। जय श्री कृष्ण। आपके माताजी की तबीयत अब कैसी है? माताजी की तबीयत तो ठीक है, लेकिन मुझे मेरी बेटी रेणु की चिंता हो रही है। क्यों, क्या हुआ? कल रात 2 स्टेशन से घर ही नहीं पहुंची। शहर फोन करके पूछा तो उसकी सहेली ने बताया कि गांव के लिए रवाना हो चुकी है। अब पता नहीं कहां गायब हो गई मेरी बेटी। तो अभी आप कहां जा रहे हो? स्टेशन जा रहा हूं। आप चिंता मत करो, मैं भी आपके साथ चलता हूं। ये तो मेरी बेटी की चूड़ियां। हरनाथ भाई, हरनाथ भाई, इधर आओ। क्या ये आपकी बेटी रेणु का दुपट्टा है? ये तो मेरी बेटी का दुपट्टा है। बिल्कुल नहीं मीनाक्षी, अब तुम्हें गांव में और शिकार करने की इजाजत नहीं दे सकते। हम जानते हैं मीनाक्षी की आत्मा सावित्री के शरीर में घुसकर बदला लेना चाहती है। नहीं, मैं सावित्री हूँ, मैं मीनाक्षी नहीं। बिल्कुल नहीं, कस के पकड़ो इसे। क्या हो गया तुझे? इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है तो देख नहीं रहा? नहीं सर। क्यों? इंडिया हार गई सर। इंडिया हार गई? पगला गया है क्या तू? अभी तो इंडिया की बैटिंग बाकी है, तू कह रहा है हार गई? सर मैं क्रिकेट की नहीं, जिंदगी की बात कर रहा हूँ। सर इंडिया कभी नहीं जीत पाएगी। सही है, पढ़िए। लड़की पर डायन होने का आरोप, उसे जिंदा जलाया जाएगा। मैं उठ क्या हो गया ये सब? सर कहते हुए भी शर्म आ रही है, ये सब मेरे गांव में हो रहा है, जांबुल गांव। अच्छा, गांव से आया था तू, तभी तेरे लक्षण से है। सब चिंता मत कर, पुलिस है ना वहां, सरकार है ना, उनके होते हुए ऐसा सब नहीं हो सकता। किसी को जिंदा जलाने में मजाक थोड़ी है। नहीं सर, वहां की पुलिस पॉलिटिशियंस कुछ नहीं कर पाएंगे। क्यों? सर क्योंकि जांबुल गांव में सिर्फ एक ही आदमी का रावण राज चल रहा है, बाहुबली समरजीत झाला का। बाहुबली समरजीत झाला? अच्छा। सर खुद हैवान है, लेकिन मासूम लड़कियों को डायन करार करके उनकी आहुति देता है। सिख। सर इस बार मैंने पढ़ा है कि सावित्री नाम की लड़की की बारी है। अच्छा, तो फिर तेरा गांव है, तेरे गांववासी हैं, तो हमें चलकर कुछ करना चाहिए इसके बारे में। नहीं सर, वहां पर जाकर कोई फायदा नहीं, वहां तो उसके खिलाफ कोई केस भी दर्ज नहीं करेगा, और मैं तो वहां नहीं जा सकता सर। क्यों? सर क्योंकि सालों पहले मेरे पिताजी और मैंने बाहुबली के अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई थी, जिसकी वजह से हमें गांव छोड़ना पड़ा था और फिर हम शहर आ गए। मैं चला जाता हूं। सरपंच बापू, अपने गांव को उस खूनी डान से बचाने का अब एक ही उपाय है, सरे चौक उस वैशी डान का नाश करना। आप बस हुक्म दीजिए बापू। बोलो भाइयों ने बहनों, उसकी जान जाए, उसके प्राण जाए, उसकी जान जाए, उसके प्राण जाए। शांत हो जाइए आप सब, मैं आप लोगों की बात अच्छी तरह समझता हूँ, लेकिन कोई भी निर्णय लेने से पहले मैं सावित्री के घर वालों से पूछना चाहता हूँ। जानकी बहन, क्या आपको सावित्री के बारे में कुछ कहना है? सुखो माय बाप, मेरा तो सारा संसार ही उजड़ गया, मेरे पूरे हंसते खेलते परिवार को उदायन खा गई। मैं तो कहती हूँ सब, जल्द से जल्द कुछ करना होगा, इधर वो डायन सारे गांव को खा जाएगी। हाँ सरपंच बाबू, उस डायन को जलाकर भस्म कर देने में ही इस गांव की भलाई है। ठीक है,
आप सब ग्रामवासियों की यही इच्छा है तो मैं आपसे सहमत हूँ। उसके जान जाए, उसकी प्राण जाए, उसकी जान जाए, उसके प्राण जाए। मैं जांबुल गांव का सरपंच अक्षरनाथ झाला ये आदेश देता हूँ कि सावित्री को। बापूजी, आपके कार्य में या आपके निर्णय में बाधा डालने का प्रयास नहीं कर रहा हूं। ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है मेरा। मैं बस उस निर्दोष लड़की की जान बचाना चाहता हूं। तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे गांव की पंचायत के निर्णय को रोकने या टोकने की? और तू होता कौन है उस जान को बचाने वाला? मैं बहुत ही साधारण सा व्यक्ति हूँ। नाम केडी पाठक, पेशा वकालत, शौक भी वकालत। बापू, बाहर वालों को हमारी पंचायत में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। बापूजी, यहाँ बात अधिकार की नहीं है, यहाँ बात लोगों में जो अंधविश्वास है उसे हटाने की, भूत प्रेत पलित आत्मा में विश्वास रखने वाले लोगों को बदलने की है। अगर वो लड़की दोषी है तो उसका अपराध प्रमाणित होने के बाद उसको जो चाहे दंड दीजिए, किंतु ऐसे बिना किसी साक्षी के, साक्ष्य के निराधार आरोप लगाकर किसी को दंड देना ये कानूनन अपराध है। ओ शहरी बाबू, इन भोले वाले गांव वालों को शहर के रंग में रंगने आए हो? मुझे तो तुम्हारी आंखों में छल और कपट नजर आ रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे तुम इस गांव का विनाश चाहते हो। क्या बात है, आप तो अंतर्यामी है। तो ये भी बता दीजिए कि इस गाँव का विनाश करके क्या प्राप्त होगा मुझे? लक्ष्मी का संचार, इन भोले वाले किसानों की जमीनें हड़प कर वहां पर कार का कारखाना लगाने वाले सेठों ने ही तुझे भेजा है। अच्छा, देखिए आरोप लगाना बहुत सरल होता है तांत्रिक बाबा, अपनी इस बात का कोई प्रमाण है आपके पास? मेरी इकलौती बेटी को खा गई वो डायन, और इसका सबूत है मेरी बेटी के बाल और उसके जेवर। न्याय कीजिए बापूजी, न्याय। वो औरा डायन ही है, और इसी अमावस की रात को उसे जलाकर उसके अंदर की डायन का सर्वनाश करना होगा, वरना ये सारे गांव को खा जाएगी। सावित्री डायन है ये साबित हो चुका है, और उसका मरना भी तय हो चुका है। बापूजी, मेरी बात पर विश्वास कीजिए, वो लड़की डायन नहीं है। बस बहुत हो गया शहरी बाबू, चुपचाप अपने पैरों पर खड़े होकर शहर लौटोगे या चारपाई मंगवाऊं? शहर तो लौटूंगा बहुबली जी, लेकिन सत्य तक पहुंचने के बाद। केडी भाई जी, आप वरुण भाई के सारे हैं? जी जी, मैं आपको जानता हूँ। आप कौन? मैं सुंदर, सब बताऊंगा लेकिन बाद में। आप मेरे साथ मेरे घर चलिए, आओ मेरे साथ। चलो चलो, अच्छा हुआ आप छाता लेकर आ गए। सही, चलो। आओ आओ केडी भाई, इस घर में मैं अकेला ही रहता हूँ। बड़ा प्यारा घर है। माफ करना केडी भाई, मुझे थोड़ी सर्दी हो गई, बारिश में भीग गया थे ना इसीलिए। अच्छा बताओ, वरुण को कैसे जानते हो? एक ही साथ स्कूल में पढ़े हैं, वरुण ने ही मुझे आपके बारे में बताया था। वैसे मैंने आपको समाचार और न्यूज़पेपर में देखा और पढ़ा है, आप अन्याय के खिलाफ लड़ते हो और सच्चाई का साथ देते हो। हाँ, यहाँ भी अन्याय के खिलाफ ही लड़ने आया हूँ। लेकिन केडी भाई, इस गाँव में तो बाहुबली की ही चलती है, किसी में हिम्मत नहीं है कि उसके आगे आवाज ऊंची कर सके। और केडी भाई, गांव वालों का तो ये मानना है कि सावित्री के अंदर मीनाक्षी की आत्मा प्रवेश कर चुकी है। लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार तो निर्दोष है सावित्री,
लेकिन सावित्री भी यही मानती है कि वो मीनाक्षी। ऐसा कैसे हो सकता है? ये एक बहुत लंबी कहानी है केडी भाई। तकरीबन 3.5 साल पहले मीनाक्षी नाम की एक खूबसूरत लड़की अपने माँ बाप के साथ इस गांव की सरहद पे रहती। क्या कर रही है? गांव वालों के मन में बैठ गया कि मीनाक्षी काला जादू करने लगी। बाहुबली और तांत्रिक बाबा की अंधश्रद्धा ने सुलगती अफवाहों को हवा दी और धीरे धीरे गांव वाले उसे खूंखार डायन समझने लगे। और एक रात मैंने ऐसा नजारा देखा कि आज भी याद करके मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इनके घर में रोशनी क्यों नहीं है? जतिन भाई, जतिन भाई, जतिन भाई, जतिन भाई आवाज क्यों नहीं दे रहे? भाभी जी, भाभी जी, के साथ जो भी हुआ ये बड़ी ही दुखद बात है। किन्ना, उसका सावित्री के साथ क्या संबंध? जिस दिन मीनाक्षी के साथ ये हादसा हुआ था उसी दिन सावित्री आकाश के साथ ब्याह करके इस गांव में आई थी। तो समझा नहीं? इसके बाद मुझे भी ज्यादा नहीं पता। बस हाँ इतना पता है केडी भाई कि जब से सावित्री को मीनाक्षी के बारे में पता चला तो वो बेचारी गुमसुम सी घंटों उसके सुनसान घर के बाहर बैठी रहती थी और यहां तक भी लोगों ने कहा कि वो आधी रात को उसके घर में पाई गई। फिर उसके बाद तो मानो इस गांव को मीनाक्षी का श्राप लग गया। पिछले 6 महीने में 10 लड़कियां गायब हो चुकी हैं, वो भी मीनाक्षी की उम्र की। केडी भाई, तांत्रिक बाबा का तो ये कहना है कि सावित्री में मीनाक्षी की आत्मा डायन बनकर आ गई है और उसी ने उन लड़कियों को कच्चा चबा लिया। क्यों क्यों ऐसा मानते हैं तांत्रिक बाबा? क्योंकि उन सभी लड़कियों के बालों के गुच्छे और गहने मीनाक्षी के घर के बाहर पाए गए, इसीलिए और इसी वजह से गांव वाले उसको डायन मानने लगे। ये तो घोर अंधविश्वास है। बाहुबली की लाठी के आगे किसी का जोर नहीं चलता। कोई तो होगा गांव जो बाहुबली की इस बलि को नियंत्रण में रख सके। तुम सावित्री को बचाना क्यों चाहते हो? बापूजी, केवल बचाना नहीं चाहता, बचाने में आपकी सहायता भी चाहता हूँ। उसे मृत्यु दंड दिया गया है, कोई कुछ नहीं कर रहा। आप तो गांव के सबसे बड़े हैं, आपको कुछ करना चाहिए। क्योंकि बापूजी, अब तक ये प्रमाणित नहीं हुआ है कि वो डायन है। किसी ने प्रमाणित नहीं किया कि 10 लड़कियों की जान उसने ली है। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? सुनो, जामुल गांव वासियों सुनो, सरपंच श्री ने सावित्री जी की मृत्यु दंड को रोक दिया है, इसलिए कल पंचायत बुलाई जाएगी। सभी गांव वासियों हाजिर हो। आखिरी भोजन।
आज की रात तुम्हारी आखिरी रात है। सावित्री सुनाई दे रहा है या बहरी हो गई हो? जिंदा हो या मारने से पहले ही मर गई हो? सावित्री पार कहूं तुमसे, मैं सावित्री नहीं मीनाक्षी हूं। मीनाक्षी तुम मेरी जान हो और मैं तुम्हारी जान लेकर रहूंगी। मैं एक ये सब क्या है बापू? इस अमावस्या की रात को उस सावित्री डायन की प्राणों की आहुति देना तय हो चुका था, फिर उसे रोका क्यों आपने? वो इसलिए बाहुबली जी, क्योंकि अब तक ये प्रमाणित नहीं हुआ है कि वो डायन है। ओ, तो ये सब आपका किया धरा है। आप ही ने सरपंच बापू के कानों में बगावत के बीज बोए हैं। अपनी जुबान को लगाम दे समरजीत। बाहुबली होने का मतलब ये नहीं तू अपने बड़े बुजुर्ग का अपमान करता फिरे और हम तुझे झेलते रहे। झेलना पड़ेगा क्योंकि ये सारा गांव मेरे साथ है और इस गांव की भलाई के लिए उस सावित्री डायन को मारना जरूरी है और इस निर्णय को आप भी नहीं रोक सकते। चुप हो जाना नालायक। ये मत भूल कि हम इस गांव के सिर्फ सरपंच ही नहीं है, तेरे दादा भी है, तेरे बाप के बाप। ज्यादा जुबान टेढ़ी की ना कि तेरी जुबान खींच कर हाथ में दे दूंगा। मैं जब तक जिंदा हूं इस गांव में कोई अन्याय नहीं होगा। जब तक ये साबित नहीं हो जाता कि सावित्री डायन है, उसे मारा नहीं जाएगा, उसे जिंदा रखा जाएगा। मेरा ये फैसला अटल है। धन्यवाद बाबूजी। ठीक है, अब तुम साबित करो कि सावित्री डायन नहीं है। देखिए बाहुबली जी, सर्वप्रथम तो पता नहीं क्यों आप बार बार आंग पर आके डराते हैं मुझे। द्वितीय ये कि मैं क्यों साबित करूं कि सावित्री डायन नहीं है? मैं प्रतिपक्ष वकील हूं। पहले आप ये स्पष्ट कीजिए, प्रमाणित करने का प्रयास कीजिए कि वो डायन है, उसका विरोध मैं करूंगा। उसका सबूत है रामदीन। कल रात जब वो सावित्री को खाना देने गया तो सावित्री ने उसके ऊपर जानलेवा हमला किया। बाहुबली जी, आप समझ नहीं रहे समस्या को। देखिए, सावित्री की मानसिक स्थिति कुछ ऐसी है, हो सकता है कि किसी बात का क्रोध आ गया हो उसे और ऐसा कर दिया क्रोध में। ये तो किसी भी आम व्यक्ति के साथ हो सकता है ना। किसी भी आम व्यक्ति के शरीर में मीनाक्षी की आत्मा प्रवेश नहीं करती है। क्या आपने देखा मीनाक्षी की आत्मा को प्रवेश करते हुए? आप अनुमान लगा रहे हैं ना? केवल अपने अनुमान को समर्थन देने के लिए कोई साक्ष्य है, साक्षी है, प्रमाणित कर सकते हैं? आप नहीं कर सकते ना। आज से पहले मेरे साथ ईश्वर में किसी ने बात नहीं की है और मैं अपना अपमान सहन नहीं करूंगा। क्या हुआ, गए नहीं आप? नहीं, पूछ रहा हूँ। काम की भलाई के लिए मैं अपने अपमान का खून पीकर भी ये साबित करूंगा कि सावित्री डायन है, उसके अंदर मीनाक्षी की आत्मा का प्रवेश हो चुका है और ये बात सावित्री भी मानती है। बाबूजी, आपको तो वर्षों का नहीं पीढ़ियों का अनुभव है। आप तो जानते हैं कि अगर किसी बात को बार बार दोहराया जाए तो लोग उसे सच मानने लगते हैं। कभी कभी हो सकता है सावित्री के साथ भी ऐसा ही हुआ हो। इतनी बार उसको लगातार डायन कहकर पुकारा गया कि वो मानने लगी है कि वो डायन है, लेकिन वो है नहीं। ये सब बकवास है। एक बात बताइए बाहुबली जी, आपका असल नाम क्या है? समरजीत सिंह झाला। समरजीत सिंह झाला से आप बाहुबली कैसे बने? वो तो इन लोगों ने मुझे नाम दिया है,
इन गांव वालों ने आपको बहुबली 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 कहकर पुकारा तो आप मान गए कि आप बहुबली है। ठीक उसी तरह जैसे सावित्री को इन लोगों ने डायन 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 कहकर पुकारा तो वो क्यों नहीं मान सकती कि वो डायन है। लेकिन उसका वो वैश्य रूप, डरावनी आवाज और कातिल आंखें कई लोगों ने देखी है। तो इतने सारे जो लोग जो आप कह रहे हैं इनमें से अगर एकाध कोई हो जो यहाँ खड़े होकर बापूजी के सामने ये कह दे कि उन्होंने सावित्री के डायन वाला रूप देखा तो बहुत आभार मानेंगे आपका। तब तक मैं जरा विश्राम कर लेता हूँ। दामोदर यहाँ आओ, यहाँ वकील साहब को सावित्री का जो रूप तुमने देखा है उसके बारे में बताओ। दामोदर भाई एक बात मेरी सुनना भाई। देखिए आपके घर में बहु बेटियां माता जी है ना घर में सब, ये जो आप बापूजी के सामने अभी बोलने वाले हैं आपके कथन पर एक निर्दोष को दंड मिल सकता है। एक जीवन का प्रश्न है, यहाँ किसी का जीवन जा सकता है। तो जो बोलना सोच समझ के बोलना और सत्य बोलना, वैसे भी झूठ बोलना पाप है। आप समझे ना मेरी बात। तो अगर आपने सावित्री को डायन के रूप में देखा है अपनी आंखों से तो ही बोलना बापू जी को, नहीं तो क्या किसी से डरने की कोई आवश्यकता नहीं। हम हैं ना सब आपके साथ। बोलो आपने सावित्री को डायन के रूप में देखा, देखा या नहीं देखा? वो रात का समय था, अंधेरा था। एक औरत काली साड़ी पहने बाल खुले हुए देखा था। अच्छा मतलब अंधेरे में आपने किसी महिला को, खुले बालों वाली महिला को काली साड़ी में देखा, लेकिन देखा नहीं कि वो महिला कौन है। देखा था कि वो महिला सावित्री थी या कोई और थी, ये पता है? जी नहीं, वो चेहरा नहीं देखा था। चेहरा नहीं देखा? नहीं बाबूजी, चेहरा नहीं देखा। नहीं, 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 नहीं देखा। और कुछ बहुबली? पिछली छुट्टियों में मेरा भतीजा यहाँ आया हुआ था और उसने सावित्री का डायन वाला रूप देखा था। आपने देखा क्या? जी नहीं, मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा। तो अपनी आंखों से नहीं देखा तो कैसे कह सकते कि आपने देखा? नहीं कह सकते। रमेश सरपंच जी, एक दिन देर रात को मैं शहर से लौट रहा था तो जैसे मैं मीनाक्षी के घर के नजदीक से गुजरा तो एक मुझे एक स्त्री की डरावनी आवाज सुनाई दी। क्यों डरावनी क्यों लगी, क्या बोल रही थी आवाज? वो गुर्रा रही थी और बोल रही थी कि मैं मीनाक्षी हूँ, मीनाक्षी तुम मेरी जान हो और मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। अच्छा गुर्रा रही थी आवाज। ऐसा भी हो सकता है ना कि कोई मजाक कर रहा हो, आपको डराने का प्रयास कर रहा हो। ये बताओ कि कौन बोल रही थी? वो सामने वाली स्त्री की आवाज आ रही थी। सामने वाली स्त्री मतलब कौन? कोई नाम तो होगा स्त्री का, आपने देखा होगा उस स्त्री को, उसका चेहरा देखा होगा। नहीं उसका चेहरा तो नहीं देखा था, उसकी आवाज से डर के मरे मैं वहां से तुरंत भाग गया। तो आपको पता नहीं कि वो सावित्री थी कि नहीं? कोई भी हो सकती। बापू जी ये तो वही बात हो गई, किसी की कही बात हम दोहरा रहे हैं। यहाँ पर किसी की आप बीती कोई कह नहीं रहा, बोल नहीं रहा। बाहुबली वकील बाबू की बातों में तथ्य है, तुम्हारे गवाहों की बातों में कोई दम नहीं है। चल, मैं दम वाली बात बताता हूँ। अरे वो तो उसके नसीब थे, भगवान की कृपा थी कि उस दिन वो बच गया, क्योंकि उसने कोठरी का दरवाजा बंद कर दिया था, वरना उस दिन राम दीन का भी राम नाम सत्य हो गया होता। राम दीन क्या हुआ? सावित्री सावित्री मीनाक्षी बन गई है। राम मीनाक्षी कहाँ है? राम दीन अगर वो बच गया तो यहाँ पंचायत में क्यों नहीं आया? क्योंकि उसके गले और चेहरे पर उस डायन ने नाखूनों से वार किया है। नहीं बहुबली जी देखिए मैं आपकी बात से सहमत हूँ, वार किया गया है, लेकिन वार सावित्री ने किया, किसी डायन ने नहीं। एक ही बात है। एक ही बात नहीं,
बापूजी, घटना ऐसी घटी होगी, परिस्थिति ऐसी रही होगी कि सावित्री का दुर्लाभ उठाना चाहा होगा उसने, और अपने बचाव में सावित्री ने उस पर आक्रमण किया होगा। ये सब झूठ है, आप कभी ये साबित नहीं कर पाएंगे। तो क्या आप साबित कर पाए हैं अब तक बाहुबली साहब कि सावित्री डायन है? साबित कर पाए हैं आप? नहीं साबित कर पाए। और अगर सावित्री के घर वाले ये कहें तो? अच्छा, बुलवाइए। जानकी बहन बोलो। अरे बोलो ना। बाबूजी, मैं पहले से ही बोल चुकी हूँ, मारी वो सावित्री डायन है, डायन। एक मिनट जानकी, ये बताइए आपके कितने सुपुत्र हैं? मेरे दो बेटे हैं। दो है ना, एक बड़ा पृथ्वी और छोटा आकाश। तो जब आपने पृथ्वी का विवाह किया तो आपको दहेज नहीं, भेंट कितने रुपए मिले? एक। एक क्या? एक रुपया या 100 रुपए? लाख, एक, पूरे 1 लाख। लाख रुपए पूरे आपको मिले। और जब आपके छोटे बेटे आकाश का विवाह हुआ सावित्री के साथ, उस समय आपको भेंट में कितने रुपए मिले? अरे काय नथी मळ्यु, फूटी कौड़ी भी नहीं मिली मुझे। फूटी कौड़ी भी नहीं मिली आपको, और इस बात का खेद जो आपको हुआ, जो सदमा आपको लगा, ये आपके मुख पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। क्या मतलब है आपका? मतलब मेरा ये है बाहुबली साहब, कि रुपए नहीं मिलने का इतना खेद था इन्हें कि ये अपनी बहू सावित्री को डायन साबित करके उससे छुटकारा पाना चाहती थी, ताकि ये अपने छोटे बेटे आकाश का विवाह कहीं और करके वहां से पैसे ऐंठ सके दहेज के रूप में। ये झूठ है। शांत रहिए आप। बापूजी, आप तो अनुभवी हैं, मेरी बात का तात्पर्य समझ गए होंगे। वैसे मैं बता दूं कि इस देश में दहेज की मांग करना भी अवैध है, कानूनन जुर्म है, अपराध है। मैं आग्रह करता हूं आपसे कि मेरी बात पर विश्वास कीजिए। ये भूत प्रेत आत्मा चुड़ैल ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं, वास्तव में ऐसा कुछ होता नहीं है। 10 लड़कियों की जान जा चुकी है और ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं। 10 लड़कियों की जान जा चुकी है या 10 लड़कियां गायब हो चुकी है बाहुबली साहब? तुझे अभी वैसी शक्तियों का अनुभव नहीं हुआ है। एक बार अनुभव हो गया ना तो पतलून गीली हो जाएगी। ये डायन ना केवल लड़कियां गायब करती है बल्कि उन्हें कच्चा चबा जाती है, डकार तक नहीं लेती है। अच्छा, आप तो इतने विश्वास से कह रहे तांत्रिक बाबा जैसा कि आपने अपने आंखों से उसे इन लड़कियों का सेवन करते हुए देखा हो। क्या कर रहे थे आप? पानी का गिलास लिए खड़े थे क्या? खामोश नादान बालक, ये कोई मजाक का विषय नहीं है। जितनी भी लड़कियां वहां से गायब हुई हैं, सब मीनाक्षी की हमउम्र थी, और मीनाक्षी के घर के पास से ही बाल और गहने मिले हैं। इसका मतलब सावित्री के अंदर मीनाक्षी की आत्मा है और सावित्री ने ही सारी लड़कियों का सेवन किया है। 10 में से केवल 3 लड़कियां मीनाक्षी के घर के आसपास से गायब हुई, बाकी 7 लड़कियां गांव के अलग अलग हिस्सों से गायब हुई। लेकिन उन 7 लड़कियों के बाल और गहने तो मीनाक्षी के घर के पास से मिले। मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए तांत्रिक बाबा। अगर वो डायन इतनी शक्तिशाली है तो गांव के अलग अलग हिस्सों में जहाँ उसने लड़कियों को दबोचा वहाँ क्यों नहीं खा गई? घसीट कर उन्हें मीनाक्षी के घर तक क्यों लेकर गई? ये मजाक तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा। छोड़िए तांत्रिक बाबा, देखते हैं क्या किसको भारी पड़ता है। बापूजी, वो अंतिम लड़की रेनू भी मीनाक्षी के घर के पास से नहीं, गांव के अलग ही हिस्से से गायब हुई। अब तक कुल मिला के आपके सामने ऐसा कोई साक्षी या कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे ये साबित हो कि सावित्री ही डायन है। मैं साक्षी हूं। श्री बाबू, मैंने मेरे आंखों से देखा है, सावित्री का भोलापन भी और उसके आंखों में हिवानियत भी। क्या कहना चाहते हैं आप? स्पष्ट रूप से कहिए। जब सावित्री इस गांव में ब्याह करके आई तब उसकी मासूमियत भी मैंने देखी है, और जब मेरी बच्ची को मेरे आंखों के सामने उसके बालों को घसीट के ले जा रही थी, बाबू मैंने वो भी देखा है। पापा, आज ना मासी ने मुझे शाबाशी दी मेरे गणित के लिए सबके सामने। रीना, स्कूल की बातें घर जाने के बाद करेंगे, अभी तो अंधेरा बहुत है। रास्ते पे ध्यान दो, हाँ, और एक काम करो, साइकिल मुझे दे दो और लालटेन पकड़ो। नहीं पापा, मुझे सब दिख रहा है, आप टेंशन मत लो। रीना बेटा, रीना सुन बेटा, ये मजाक का टाइम नहीं है बेटा, वो साइकिल साइकिल मुझे दे दे बेटा। रीना, बचाओ, बचाओ, बचाओ।
उसके बाल और दुपट्टा मीनाक्षी के घर के पास पाया गया। तब तो किसी ने मेरे पे विश्वास नहीं किया, लेकिन धीरे धीरे सबको विश्वास आने लगा जब गांव की बेटियां अगवा होने लगी और इसके पीछे सावित्री के अंदर छुपी हुई मीनाक्षी की आत्मा का ही काम है। क्यों वकील बाबू? अब तो चश्मदीद गवाह भी मिल गया है, कोई जवाब? बापूजी, इस समय मेरे पास बाहुबली जी के प्रश्न का उत्तर नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप मुझे जरा समय दें तो मैं इस बात की तह तक पहुंचना चाहूंगा। समय दिया जाए ताकि एक और मासूम लड़की का शिकार कर सके वो डायन। एक और लड़की की जान कैसे लेगी बाहुबली साहब? सावित्री तो आपके कब्जे में। 2 दिन पश्चात अमावस की काली रात है। अगर उस रात को सावित्री की आहुति नहीं दी गई, तो उसके अंदर की डायन इतनी शक्तिशाली हो जाएगी कि आने वाले 100 सालों तक उसका कोई भी नाश नहीं कर सकेगा। अड़तालीस घंटे तो बस आप मुझे 48 घंटे का समय दे दीजिए। अगर इस समय में मैं साबित नहीं कर पाया कि सावित्री डायन नहीं है तो आप जो ठीक समझे उसे डांट दीजिए। ठीक है, ये पंचायत कल सुबह 10 बजे फिर से एकत्रित होगी। तुम उस डायन को बचाना चाहते हो ना? लेकिन देख लेना, वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेगी, तुम्हें भी वो कच्चा चबा जाएगी। इतना स्वादिष्ट नहीं हूँ बाहुबली जी, वैसे भी मैं तो उसे बचाना चाहता हूँ, आप उसे मारना चाहते हैं, खतरा तो आपको होना चाहिए। वो मेरा या मेरे परिवार का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि मेरे और मेरी पत्नी के पास तांत्रिक बाबा का दिया हुआ रक्षा कवच है। लेकिन तुम्हें कौन बचाएगा? ये सुंदर, जिसके आधार पर तुम उस सावित्री को बचाने आए हो, इस बाहुबली की नजरों से कोई नहीं बच सकता। कम समय में बहुत ज्यादा पैसा कमा लिया है ना सुंदर ने, लेकिन उन पैसों से वो डायन की शक्तियों को नहीं खरीद सकता। मरोगे, तुम सब मरोगे। ये तो धमकी देके गया केडी भाई आपको। अब तो ऐसी धमकियों की आदत पड़ गई है मुझे। मेरी चिंता छोड़, वो जो लड़कियां गायब हुई है उनके बारे में सोच। केवल 48 घंटे हैं हमारे पास, समय बहुत कम है। पता लगा पूरी जानकारी हासिल कर। आप ठीक कह रहे हैं, 1 साल में 10 लड़कियों का गायब होना कोई छोटी बात नहीं है। लेकिन केडी भाई, आप इन लड़कियों का पता कैसे लगाएंगे? मैं करता हूँ कुछ, तू घर जा, मैं आता हूँ। वरुण, जंबुल गांव आ जा तुरंत। सर, मैं वहां आ जाऊं? Are you sure? सर, बाहुबली मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। जानना चाहता हूं, इसलिए तुझे यहां बुला रहा हूं। मैं जैसा कह रहा हूं वैसा कर, कुछ नहीं होगा तुझे। जी सर। कितने बलिदान देने होंगे? बस बेटी, एक और बलिदान। 10 बलिदान दे चुकी हो, अब आखिरी बलिदान में हिचकिचाना मत, वरना विनाश हो जाएगा। तुम्हारे पति के पापों का प्राश्चित तुम्हें करना पड़ेगा।
ठीक है बाबा, आप कहते हैं तो ठीक है, लेकिन बाबा मैं और कितना सहन करूं? हमारे शादी को 11 साल हो गए हैं। 11 साल, 11 बलिदान, बस फिर सब ठीक हो जाएगा। भीम भीम क्रीम बट। जान हो, मैं तुम्हारी जान दे कर रहूंगी। सावित्री? मैं सावित्री नहीं, मीनाक्षी हूं। मीनाक्षी देखो, मीनाक्षी मैं तुम्हें ही बचाने का प्रयास कर रहा हूं। झूठ, तुम मुझे नहीं सावित्री को बचाना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हारी ये कोशिश पूरी होने नहीं दूंगी। मैं सावित्री को अपने साथ लेकर जाऊंगी और तुम इस दुनिया से हमेशा के लिए चले जाओगे। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.